थैंक यू करो ना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू। थैंक यू कुकरिया। गुड जॉब। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के एक नए श्रेणी एक नए कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर के नाम से। तो आज कोरोना वॉरियर जिसे हम कहते हैं कि जो फील्ड पे इतनी सारी मेहनत करते हैं इतनी सारी सेवा करते हैं ऐसे एक अच्छे शख्स एक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट विनय शुक्ला जी का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विनय जी की अगर मैं बात करूँ तो सूरत में एडवोकेट कि इसमें सब लोग इनको जानते हैं, कोर्ट में सब इनको पहचानते हैं, बहुत अच्छे वकील में इनका नाम गिना जाता है। और ये एक प्रोफेशनल लाइफ के अलावा समाज सेवा में बहुत ही उम्दा काम करते हैं और करते आ रहे हैं। और अभी जब कोरोना की महामारी जब फैली है तो इन्होंने जो सेवा की है वो हकीकत में दर्शनीय है। तो आज उनके ही मुँह से इन्होंने जो सेवा की है उसके बारे में हम समझेंगे, क्या क्या मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा, कैसे उनको ये विचार आया और कैसे आगे इन्होंने कोशिश करके मेहनत करके जो श्रमिकों को यहाँ से भेजने का जो जिम्मा उठाया है वो कैसे पार पड़ा, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो विनय जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने आपको ये विचार कैसे आया कि जब ये महामारी फैली और श्रमिक रोड पर आ गए और काफ़ी जगह दंगा फसाद भी हुए, तो आपको ये जो सोच बनी वो कैसे बनी? हम सब जानते हैं कि पहला जो जनता कर्फ्यू था मोदी जी ने 22 मार्च को किया था, उसके बाद से 24 या 25 तारीख से उसके बाद जो है लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फेज हुआ लॉकडाउन का, दूसरा फेज हुआ लॉकडाउन का, तीसरा फेज हुआ। तो जब ये लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ते चला गया और ये बात सामने आने लगी कि कोरोना की जो बीमारी है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर जो यहाँ के श्रमिक थे उनको जो सेवाभावी संस्थाएं थी वो जब तक भोजन करा रही थी, उनको जो सेवाएं किट वितरण कर रही थी, उससे वो लोग जैसे तैसे करके अपना गुजारा बसर कर रहे थे। लेकिन एक बात ये देखने में आई कि लोगों को, श्रमिकों को सिर्फ एक दो टाइम के भोजन से उनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता था, उनको और भी जरूरतें थी जो नहीं पूरी हो पा रही थी। तो वो लोगों के अंदर एक ये मन में आई कि बस हमको हमारे गांव भेज दो, हमको अब यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो व्यापार धंधा उद्योग है वो सब चालू हो नहीं रहे थे। तो जो श्रमिक लोग हैं फिर ये लोग ने जाने के लिए इतना किया कि पैदल जाना किसी ने चालू कर दिया, किसी ने साइकिल से, किसी ने मोटरसाइकिल से, और यहाँ तक कि फिर बाद में कुछ लोग सेवाभावी लोग थे जिन्होंने लग्जरी बस में उनको भेजना चालू किया। उसमें समस्या ये आई कि एक तो उनको 4 से 5 हजार रुपये का उनको भाड़ा चुकाना पड़ता था, और उसके बाद उनको जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश बॉर्डर पे या यूपी बॉर्डर पे उनको रोक के वहाँ से उनको वापस सूरत लौटाया गया। तो ये जब समस्याएं आई छिल्ले, ये आई सारी समस्याएं जो है वो मई के फर्स्ट 2-3 दिनों में, मतलब 1-2-3 तारीख में ये सारी समस्याएं आई। तो दरअसल 3 तारीख को मेरे मन में ये विचार आया, वहां पे दाहोद गोधरा के अंदर 50-60 श्रमिक जो बस में गए थे उनके ऊपर वहां पे केस हो गया कि भाई वहां पे धमाल मस्ती हुई, उनको जब वापस भेजा जाने लगा तब ये हुआ कि यार एक तो इनसे 4-4, 5-5 हजार रुपये भाड़े भी वसूले जा रहे हैं और इनका काम भी नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना हम इसकी सरकार से बात करें और सरकार को ये कहें कि भाई आप कोई ऐसी व्यवस्था पूरी करो कि जिससे इनको पैसा भी ना ज्यादा देना पड़े और इनका काम भी आसानी से हो जाए और कोई इसमें बीच में दिक्कतें ना खड़ी हो। तो सरकार ने जो है, हमारे कलेक्टर साहब ने और हमारे जो महेंद्र पटेल जो पूर्व कलेक्टर थे इनके पहले, वो जो अभी इंचार्ज भी हैं साउथ गुजरात के, वो लोगों ने फिर यहाँ से ये बात सरकार को, केंद्र सरकार को पहुँचाई, योगी सरकार को पहुँचाई, यूपी की सरकार को, और वहाँ से फिर कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन मिला कि ठीक है आप लोग रेल के माध्यम से इनको आप भेजिए। और 1200 की संख्या में पहले ये तय हुआ था कि भाई 1200 की संख्या में आप एक ट्रेन में भेजेंगे श्रमिकों को, और उसका जो नॉर्मल किराया 500-600-700 रुपये तक, मैक्सिमम 700 रुपया किराया था, उस किराए में इनको वहाँ तक ले जाना था। तो ये तय हुआ, तब फिर हम लोगों ने जो श्रमिक थे, वर्ग थे जो जाना चाहते थे, वो हम लोगों को अपना डेटा देने लगे, उनके डेटा वो हाथ से लिख के देते थे, हम फिर उसको एक्सेल शीट में कंप्लीट करते थे, और क्योंकि हमको 1200 की या 1600 की जो भी
डेटा देने होते थे कलेक्टर साहब को, वो हमें एक्सेल सीट में बना के देने होते थे प्रॉपर, और पर्टिकुलर एक स्टेशन के 1200 और 1600 यात्री होने चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर आपके मिक्स यात्री हो, ऐसा नहीं। तो वो सब चीज़ों में हमें बहुत समय लगने लगा, और फिर धीरे धीरे जाके जब हमने कलेक्टर साहब को डेटा देने लगे, कलेक्टर साहब यूपी सरकार को भेजते थे, वहाँ से मंजूरी आती थी, ट्रेन अलॉट होती थी, ट्रेन की टिकटें हम पैसा दे के पहले सरकार से पैसा टिकट खरीदते थे, फिर हम उसका वितरण श्रमिकों को करते थे, और इस तरीके से ये एक सिलसिला चालू हुआ। और ये सिलसिले से एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि श्रमिक जो पैदल जा रहे थे या जो अपनी मोटरसाइकिल साइकिल या ट्रकों में या बसों में जा रहे थे, उनको एक सरकार के द्वारा अच्छी सुविधा प्राप्त हुई। बड़े संक्षिप्त में आपने इतनी बड़ी बात बड़े संक्षिप्त में बता दी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और अच्छाई से और बारीकी में जाना चाहेंगे जी। कि अब ये जब सोच बनी तो पहला कदम जो आपने रखा, जो पहली बातचीत हुई, कब हुई, कैसे हुई, और उसमें जो प्रोसीजर्स जो नक्की किए गए वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर पहले तो जब ये विचार आया मेरे मन में 3 तारीख को, तो मैंने पहले हमारे जो उत्तर भारतीय समाज के अग्रणी हैं कुछ लोग, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि क्या हमें इस विषय में अंदर उतरना चाहिए। तो वो लोगों ने कहा कि चलिए हम एक मीटिंग कर लेते हैं। मुझे याद है अभी भी 3 तारीख को रविवार का दिन था, हम लोग मेरी ऑफिस पे 10-12 लोग इकट्ठा हुए, जिसमें माजी डेप्यूटी मेयर दयाशंकर सिंह जी थे, जिसमें माजी कॉरपोरेटर शैलेश त्रिपाठी जी थे, JWCC के मेंबर अजय राय जी थे, और डॉक्टर अमित दुबे थे, राकेश दुबे जी थे, और अजय सिंह जी थे पांडेसरा से, विजय पटेल जी थे। तो इस तरह के काफ़ी ऐसे हमारे उत्तर भारतीय सामाजिक हम 10-15 अग्रणी इकट्ठे हुए। हमने ये पहले इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा की कि क्या हम इस विषय में उतरे, काफ़ी क्योंकि मन में शंकाएं थी, डर भी था कि हम मान लो ये लोगों से हम अपना ये विषय रख के हम उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर सरकार ने कहीं हमें सपोर्ट नहीं किया तो कल उठ के हमारी जवाबदेही बन जाएगी और पब्लिक कहीं ना कहीं पब्लिक से हम घर्षण में उतर जाएंगे, तो हम क्या करें। तो लेकिन सबका एक मन बना कि ये बहुत ज़रूरी सेवा है, और ये अगर ये नहीं किया गया तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत पैनिक हो जाएगी, क्योंकि श्रमिक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और रोड पे उतर जा रहा था। तो हमारी 3 तारीख को पहली मीटिंग हुई जिसमें मन बनाया गया कि नहीं हमको ये काम करना है। 4 तारीख को हम लोगों ने कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग रखी, जिसमें हमारे MLA और हमारे जो यहाँ के भाजपा के सूरत शहर के प्रमुख हैं उनके साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन किया, उन लोगों ने भी हमारी बात वहाँ पे रखी कलेक्टर साहब के पास, और उन लोगों ने भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन का काम किया। और बाद में हमारी एक प्रवासी ट्रेन सेवा समिति के नाम से हमने एक समिति बना दी हमारी, और हमने ये काम को शुरू किया। और पहली ही बार में हमारी 4 तारीख को हमने 5 तारीख को हमने ट्रेन के लिए अप्लाई किया है, और सीधी हमें 6 तारीख को 4 ट्रेन सरकार के द्वारा दे दी गई, और हमने एक ही दिन में हमने जब 4800 यात्रियों को भेज दिया, और ये जब मैसेज वायरल हुआ कि एक ही दिन में इन्होंने 48, तो जब लोगों का हमारे साथ जो लोगों का कनेक्शन बढ़ा, तो आज ऐसा है कि आज हमने 23 ट्रेन अभी तक हम भेजने में सफल हुए हैं, और अभी भी हमारी 4 से 5 ट्रेन अभी भी पेंडिंग है। तो अब ये लोगों का एक विश्वास बन गया है, भरोसा बन गया है कि भाई नहीं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं। विनय जी, ऐसा जैसे आप कर रहे हो, ऐसे कई लोग हैं जो सेवाभावी हैं, वो भी ट्रेनों के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन सुना गया है कि जो मॉडल, जो तरीका आपने अपनाया है वो शायद सबसे बढ़िया है, और उसके अंदर जैसे कई जगह फ्रॉड भी हुए हैं, लोगों के पास से पैसा भी ज़्यादा लिया गया, लेकिन आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम फूड प्रूफ सिस्टम है, और काफ़ी लोगों ने उसे अपनाया भी है, और इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जी। एक्चुअली क्या है कि मैं एडवोकेट हूँ, और मेरी जो ऑफिस के सारे जो मेरा स्टाफ है, मेरा 20 आदमी का स्टाफ है, और सारे एडवोकेट हैं। तो एक चीज़ तो बहुत यह है कि हमें सारे लूप होल पता होते हैं कि भाई कहाँ पे कोई बारीकी है, जहाँ पे कोई कमजोरी रह सकती है, जिसका कोई मिसयूज उठा सकता है। तो वो सारी चीज़ों की भी हमारी एक वो साइड कोर टीम थी, वो पूरा उस पर स्टडी करती थी, और हमने पहले से ही एक सिस्टम अपनाया कि भाई हम जिनको भी टिकट देंगे वो हम उनकी जो ट्रेन की टिकट जो सरकार हमें देगी हम वही दर में देंगे। उससे हो सकता है कि भाई मान लो 655 की टिकट है या 645 की टिकट है, तो अब हम 5-10 रुपये नहीं ढूंढ सकते हैं, तो वो 5-10 रुपये का डिफरेंशिएट वो कहीं होता था, लेकिन उसके भी सामने हमने प्रोविजन ये रखा कि हम सारे जो भी यात्री होते थे हम सब यात्रियों को एक पानी की बोतल वहाँ पे देते थे, हम उनको फूड पैकेट देते थे, केला देते थे, ताकि जो कहीं पे उनका कोई पैसा हमारे पास आ रहा हो तो वो उनको हम किसी न किसी प्रकार से वापस वहाँ रिफंड कंपनसेट हो जाए, ताकि उनका पैसा हमारे घर तक ना आए, ये एक मानसिकता लेके हम लोग चले। और इसके लिए हमने एक चीज सोची कि मान लो हम 1200-1600 लोगों तक तो हम डायरेक्ट पहुँचने वाले नहीं है, बीच में 100%
कोई ग्रुप लीडर होते हैं, जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आया तो उसने 50 व्यक्ति का डेटा लेके आया, उसने अपनी पूरी सोसाइटी का डेटा इकट्ठा किया और वो पूरा डेटा इकट्ठा करके मेरे पास लाया, उसने 100 आदमी के पैसे जमा कराए, तो मैं उसकी को 100 टिकट देता हूँ। तो जब मैं उसको 100 टिकट देता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत जरूरी हो जाता है कि मैंने तो इसको पूरा बेनिफिट दे दिया, मैंने तो जो सरकार के भाव में टिकट आई मैंने उसी भाव में इसको टिकट दे दी, या सरकार ने फ्री में दी तो मैंने इसको फ्री में दी, इसको इसके पूरे पैसे रिटर्न कर दिए। लेकिन क्या इसने भी वहां पे किया क्या, इसने भी वो मेंबरों को किया क्या? तो उसके लिए हमने एक योजना बनाई, हमने एक अपना खुद का एक एफिडेविट बनवाया, हमने ड्राफ्टिंग खुद तैयार की एडवोकेटों की टीम ने, और उसमें हमने टिकट के नंबर तक हम लिखते थे। हम टिकट के नंबर मतलब हमने मान लो कि अगर आपको हमने 2004 से 2024 की टिकट दी, मतलब 20 टिकट अगर आपको दी है, तो वो टिकट के नंबर हम एक फॉर्म में उसमें लिखते थे, जिसमें आपका व्यक्ति का हम साइन और अंगूठा करवाते थे और उनसे एफिडेविट करवाते थे कि भाई ये टिकट जिन यात्रियों की है मैं उन्हीं को दूंगा, उनसे कोई पैसा भी नहीं लूंगा, और उनको जो सरकार के द्वारा लिया गया है या सरकार के द्वारा फ्री दिया है उसका बेनिफिट मैं पब्लिक को पहुंचाऊंगा, यात्री को। और फिर हम क्या करते थे, हम रैंडमली जब पिकअप पॉइंट होता था, यहाँ पे जैसे ट्रेन में बैठने के लिए 3 घंटे पहले का एक पिकअप पॉइंट दिया जाता था स्पॉट पे, तो वहां पे हम जाते थे, हमारी पूरी टीम वहां पे सर्च करती थी और हम एक एक व्यक्तियों से पूछते थे कि आपको टिकट का कितना दाम लगा है या आपको टिकट के कितने पैसे चुकाने पड़े हैं, वेरीफाई हो जाता था। तो उसमें अगर कोई बंदा ऐसा निकल जाता था कि भाई उसने अगर ज्यादा पैसे दिए हैं या उसने उससे कोई फ्रॉड हुआ है, तो हम तुरंत उससे टिकट मांगते थे, टिकट का नंबर लेते थे, और हमारा एक बंदा गाड़ी के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा रहता था, हम सीधा उसको फोन करते थे, टिकट नंबर ये देखो किसको दिए हमारे वहां से, वो तुरंत लैपटॉप में एंट्री करता था और पता चल जाता था, अरे ये तो इनको दिए, तो हम तुरंत उस व्यक्ति को फोन करते थे कि भाई हमने जो आपने हमारे यहाँ से टिकट ली है उसका यहाँ से फ्रॉड हुआ है तो आप क्या कहते हैं। वो व्यक्ति तुरंत आ जाता था, तुरंत वो अपनी आपकी सफाई देने लगता था कि अरे भाई मैंने तो उसको दी थी, उसने ये किया होगा वो किया होगा। हम उनको कहते थे कि भाई अगर आपसे ये काम नहीं होता है तो आप मत करिए, लेकिन मेहरबानी करके अगर आपके पास ईमानदार आदमी नहीं है तो आप ये काम मत करिए, हमने जो सरकार हमें जो फायदा दे रही है उसका फायदा श्रमिकों को अगर नहीं मिलता है तो उस फायदे का कोई मतलब नहीं है, और अगर ऐसा कोई श्रमिकों के पैसे को अगर कोई अपने जेब में ले जाने का काम करेगा तो उससे ज्यादा गलत काम, उससे ज्यादा नीच काम कोई दूसरा नहीं है। ऐसा एक मैसेज लोगों में डालते थे तो एक डर बैठता था, एक अंदर की आत्मा उसकी बैठती थी कि नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना है। तो हमारे साथ ये एक फायदा बहुत हुआ कि हमारे साथ गलत लोग नहीं जुड़ पाए, और जो जुड़े भी तो उन्होंने हमारी सिस्टम देख के हमको छोड़ दिया कि भाई यहाँ पे हमको नहीं। और बाद में हमारी सिस्टम हमने देखा, अब सब लोग ये सिस्टम हमने जो की है अब धीरे धीरे वो सिस्टम में अब बाकी के लोग भी अब करने लगे हैं, क्योंकि वो लोगों को भी कहीं ना कहीं जब नाम खराब हो रहा है तो उनको भी ये पता चल रहा है कि नहीं हम तो ईमानदारी कर रहे हैं लेकिन हमारे नीचे वाले बेईमान हैं, तो वो लोग बेईमानी ना कर पाए इसलिए विनय भाई की जो सिस्टम है वो हमें अजमानी चाहिए और अब सब अजमा रहे हैं। तो अब मैं मान रहा हूँ जहाँ तक श्रमिकों को फायदा मिलना चालू हो गया है। अंदाज से आपने जैसे बताया कि 23 ट्रेन आपके द्वारा आपने मशक्कत करके काफ़ी लोगों को भेजा, तो अंदाज से कितने श्रमिक घर पहुंच चुके होंगे यूपी की अगर हम बात करें? बिल्कुल, मैं मान रहा हूं जहां तक 32 से 35 हज़ार श्रमिक हमारे जो ट्रेनें हैं उसके द्वारा गए हैं, 32 से 35 हज़ार लोग। तो ये रास्ते में ऐसा देखा गया है और सुना गया है कि ट्रेन लेट होती है और काफ़ी दिक्कतें भी आती है, ना तो पानी मिलता है ना तो खाना मिलता है, तो कहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन की कोई गलती या मिसमैनेजमेंट, क्या कहना चाहोगे? शुरू में सारी ट्रेनें बहुत ही नियमित गई, बल्कि ऐसा हो रहा था कि वो लोग समय से पहले पहुंच जा रहे थे, वो लोग ऐसा कहते थे कि भाई हम आज तक इतनी जल्दी कभी नहीं पहुंचे जितनी जल्दी अभी पहुंच गए, गाड़ी कहीं रुकती ही नहीं थी क्योंकि उनका कोई स्टॉपेज होना नहीं था, कहीं से कोई यात्री लेने नहीं थे, सारे यात्री यहीं से पिकअप हो जाते थे, रस्ते में ना किसी को उतरना है ना किसी को चढ़ना है, तो यहाँ से ट्रेन निकलती थी सीधी जिस डेस्टिनेशन पर जानी है, वहाँ के बीच में केवल एकाध दो डेस्टिनेशन पर रुकती थी जहाँ पर वो वॉशिंग या पानी की जो कोई फैसिलिटी थी उसके लिए। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि यूपी जाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ने लगी, बिहार झारखंड जाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ने लगी, और होने ये लगा कि भाई बिहार की जो ट्रेनें जाती थी वो भी यूपी रूट होके जाती थी, तो उससे थोड़ी, और सिर्फ ये हमें समझना होगा कि केवल एक सूरत नहीं है ऐसा, या केवल एक गुजरात नहीं है कि जहां से यूपी बिहार और झारखंड के श्रमिक जा रहे हैं, पूरे भारत से यहां के श्रमिक जा रहे हैं और सबका रूट लगभग एक बराबर है। कहीं ना कहीं जब यूपी में गाड़ी एंटर होती है तो वो फिर ऑटोमेटिकली रूट सेम हो जाता है, भाई यूपी के बाहर से मान लो एक ही ट्रैक पे चलती है, एक ही ट्रैक आ जाती है वो, तो वहां पे फिर ये होने लगा कि वहां पे उनके पास वर्कलोड इतना बढ़ गया कि भाई वो लोग जो कंजेशन हो गया। और सर एक्चुअली थोड़ी मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत
सब जब सिचुएशन हार्ड हो जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि उसमें सरकार की गलती है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम और अच्छा कर सकते थे, हम और अच्छा सुधार सकते थे, और आगे अब जो हो उसमें अगर ऐसा प्रयास किया जाएगा तो मुझे काफी प्रसन्नता होगी। अभी अभी तक पैसे लिए थे श्रमिकों से, अभी पैसे नहीं लिए जाते? बिल्कुल, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है यूपी सरकार ने ये स्टेप उठाया और 18 तारीख को रात को ये मैसेज आ गया कि अब कोई श्रमिक से पैसे ट्रेन के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। और तब हमें एक बार वापस से थोड़ा, मुझे तो प्रेशर आया था कि भाई मैंने तो पैसे लिए हुए हैं ऑलरेडी श्रमिकों से, अब मेरा दायित्व और बढ़ गया कि मुझे एक तरफ उनको टिकट भी देनी है और दूसरी तरफ उनको उनके पैसे भी लौटाने हैं, और उसके साथ साथ मैं जिनको पैसे लौटा रहा हूं वो भी क्या उनको पैसे लौटा रहे हैं क्या, जिनको, क्योंकि मान लो यात्री को तो पता ही नहीं है, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसने 50 आदमी की मेरे पास नाम लिखवाए थे और मैंने उसके हाथ में 50 टिकट तो थमा दी और साथ में मैंने उसके 50 टिकट के रुपये भी सारों को रिटर्न कर दिए, लेकिन क्या वो भी लौटा रहा है कि नहीं, क्योंकि श्रमिक को तो पता नहीं है कि सरकार ने हमारी ट्रेन। तो हमें शुरू के एक दो दिन काफी प्रेशर था और उसमें हमने काफी मॉनिटरिंग किया और काफी हम जगह पे जाके हमने टीम बना के काफी सर्च की, और मैं श्योर हूँ कि मेरी जो भी ट्रेनें गई हैं उसमें 95% मैं श्योर हूँ कि 95% लोगों को पूरा फायदा मिला है। 5% कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बेईमानी की है, चोरी चक्कारी की है, तो उसको कुदरत देखेगा, और हमारे पास तो जितना हमारी क्षमता थी उतनी तो हमने लोगों को संभालने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। अब अगर ये सारे श्रमिक यहाँ से निकल जाते हैं तो इंडस्ट्रीज खुलने में जो दिक्कतें आएगी तो आप और हम दोनों समझते हैं, क्या लगता है कि ये श्रमिक वापस आ सकते हैं या आएंगे, क्या दिशा लगता है आपको और क्या कहना चाहोगे इन श्रमिकों को आप? मेरा ये मानना है श्रमिक जो भी अभी जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो छिल्ले 20 मार्च से जो पूरी यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद है, व्यापार उद्योग बंद है, धंधा बंद है, तो लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, तो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे थे। वो यहाँ पे जो श्रमिक हर गए वो 10x10 की खोली के अंदर चार चार पाँच पाँच आदमी, 10-10 आदमी कहीं कहीं तो रहते हैं, तो वो उनके पास एक तो कहीं ना तो भोजन की व्यवस्था है, ना उनकी कोई आमदनी है, ना उनकी रहने की अच्छी व्यवस्था है, और जबकि उसके सामने जो लोग यहाँ से वहाँ पहुँच रहे यूपी, वो वहाँ से जाके इतनी तारीफें करते हैं वहाँ की कि अरे हमको तो यहाँ पे उतरते ही योगी सरकार ने ये दे दिया, हमको योगी सरकार ने ये दे दिया, हमको ये कर दिया, तो उससे यहाँ पे जो नहीं भी जाना चाहते थे वो भी लोग जाने की होड़ मचा लिए। हाँ, मोटिवेट कर रहे, बाप रे हम तो बेवकूफ है, हम यहाँ रह गए, हमको कुछ नहीं मिल रहा है और वो वहां जा रहा है और वो उसको तो इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी सोच रहे कि एक बार तो मुझे भी वहां जाना ही है। तो ये कह के कहीं ना कहीं अब सारे लोगों में एक होड़ मची हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि व्यापार उद्योग अब धीरे से शुरू होना सरकार ने आदेश दे दिया है, और जब व्यापार उद्योग चालू हो जाएंगे तो पब्लिक की यहाँ पे आमदनी चालू हो जाएगी, तो अब जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा धीरज बना के बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हो, आप अगर सस्पेक्ट पाए जाते हो या नहीं भी पाए जाते हो, तो आपको 100% 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। एक बार आप वहाँ पे 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद आप अगर फ्री हो जाते हो, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो, तो फिर वहाँ से आते वक्त यहाँ पे आपको वापस शायद ये नियम आ जाए कि यहाँ पे भी आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़े, तो जो एक महीने का पीरियड आपका क्वारंटाइन का वेस्ट होगा, इससे अच्छा बेटर है कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ पे फ्री हैं, हम कहीं पे कोई सस्पेक्ट नहीं है, तो हम क्यों जाने की उतावल करें, हमारा व्यापार धंधा शुरू होने ही वाला है। लेकिन जिनको इमरजेंसी है, जिनको रियली जरूरत है, जिनको सही में ऐसा लगता है नहीं मुझे जाना है, तो वो जाए, सरकार उसके लिए पूरी सुविधा आपको दे रही है, लेकिन नहीं जरूरत है तो मेहरबानी करके मत जाइए। बहुत बढ़िया दर्शक मित्रों, बहुत अच्छी बातचीत हुई विनय जी से, और काफ़ी जो उन्होंने जो सेवा की है उसकी बारीकी में उन्होंने हमको समझाया कैसे काम करते हैं, कैसे उसका तरीका होता है। तो इस मौके पर मेरे कुछ ध्यान में आता है, कुछ शब्द हैं अब्राहम लिंकन साहब के, जिन्होंने ये कहा था कि आस्क नॉट व्हाट यू हैव व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। कि ये मत पूछे कि सरकार ने या देश ने आपके लिए क्या किया, लेकिन आप ये पूछिए कि आपने देश के लिए क्या किया। तो ये शब्दों को अगर सार्थक किया है तो मैं विनय जी को कहूँगा कि ये सही में आपने सार्थक किया है, और कोरोना के सही वॉरियर हो आप और आपकी टीम, तो दिव्यांग न्यूज़ चैनल की ओर से खूब खूब बधाई आपको, खूब खूब अभिनंदन। तो कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, दोबारा उपस्थित होंगे एक नए कोरोना वॉरियर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू। थैंक यू शुक्रिया। गुड जॉब। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना।